हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर आज की तारीख में कोर्ट के माध्यम से दिए गए ऑर्डर के बारे में, जहां पर बीएड को लेकर एक बड़ा फैसला हाई कोर्ट के माध्यम से सुनाया गया है, जिसमें 27 पेज का ऑर्डर उन्होंने अपलोड कर दिया है और इसमें आपको सिर्फ एक दो लाइन के बारे में ही जानकारी दी जाएगी, क्योंकि ऑर्डर को लेकर पहले ही मैंने लाइव के माध्यम से आपको पूरा ऑर्डर पढ़ के बता दिया है। एक दो लाइन वही आपको बताई जा रही है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस ऑर्डर को समझने के लिए। तो चलिए सीधे ऑर्डर को समझ लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये ऑर्डर पढ़ लिया होगा, जिन्होंने ये ऑर्डर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर इस ऑर्डर को ले सकते हैं। ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कई अलग अलग वैकेंसियों में नौकरी दिलवाने के लिए या नौकरी से बाहर करवाने के लिए। असल में मामला ये था, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूं कि बिहार के अंदर शिक्षक भर्ती निकाली गई थी 6 फेज की। उसी समय पर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के 28/6/2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। उसी के आधार मानते हुए बिहार के अंदर 6 फेज की शिक्षक भर्ती में बीएड की नियुक्ति को चैलेंज कर दिया डीएलएड बीटीसी के अभ्यर्थियों ने। उसमें उन्होंने मांग की कि भाई राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य नहीं माना है तो हमारे राज्य के अंदर क्यों माना जा रहा है, यहाँ से भी बीएड को बाहर कर दिया जाए। इस मामले पर जब सुनवाई देखने के लिए मिलती है पटना हाईकोर्ट में, तो पटना हाईकोर्ट को बताया जाता है बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने कि सर इस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में देवी शर्मा ने एक अलग याचिका दाखिल कर दी है जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी है। तो पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अच्छा ये बात है तो ठीक है, तो हम इस फैसले को तभी डिसाइड करेंगे जब राजस्थान हाईकोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना फाइनल जजमेंट दे देगी, जिससे कि ये बात पता चल जाएगी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी में रखना है या नहीं रखना है। अब होता क्या है कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना एक जजमेंट जारी कर देती है जिसमें बीएड के संबंध में 28/6/2018 को उस नोटिफिकेशन को रद्द कर देती है, जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में चयनित किए गए थे। उसके आधार पर पूरे देश में से बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बाहर हो जाते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर जो शिक्षक भर्ती चल रही थी उसमें से तो पहले ही बाहर हो चुके थे। उसी को आधार मानते हुए बिहार में चैलेंज किया गया था। अब चूंकि बिहार के अंदर पहले से ही चैलेंज हो गया था, तो जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई उनके नियुक्ति पत्र में ये बात लिख दी गई कि भाई आपकी जो नियुक्ति दी जा रही है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आने वाले फाइनल जजमेंट के आधार पर होने वाली सुनवाई पटना हाईकोर्ट की याचिका पर जो भी लास्ट में डिसीजन आएगा उसके आउटकम के आधार पर डिपेंड करेगी, यानी कि जिसको अंग्रेजी में आप सब्जेक्ट टू आउटकम कहते हैं उसी को लेकर यहाँ कह दिया गया कि भाई आपके जो नियुक्ति पत्र हैं वो सब्जेक्ट टू आउटकम होंगे और आपको जो नौकरी मिल रही है वो इस याचिका के अधीन होगी। अब उस याचिका पर आज फैसला आ चुका है। उस याचिका पर फैसला ये आता है कि जो NCTE ने 28/6/2018 को नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल किया जाता है, वो पूरे तरीके से ना तो उसको ऑथराइज करते हैं, ना ही वो एग्जामिन करते हैं, ना किसी कमिटी के रिकमेंडेशन पे जारी करते हैं, वो सीधे तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन को फॉलो करते हुए बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कर देते हैं, जिसके चलते हाई कोर्ट ऑफ पटना ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट के उस नोटिफिकेशन को नहीं माना है क्योंकि वो सिर्फ KBS के लिए था, जबकि NCTE ने जो नोटिफिकेशन जारी किया 28/6/2018 का वो देश के अलग अलग राज्यों के अंदर लागू हो जाता है, जबकि हर राज्य में अपनी अपनी एक अलग संख्या है DLED BTC करने वाले अभ्यर्थियों की। इसी के आधार पर ना BEd करने वाले अभ्यर्थियों की जो डिग्री है वो पेडागोजिकल अप्रोच को कंप्लीट करती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर में कहा था कि जो BEd करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको ट्रेंड किया जाता है हायर सेकेंडरी के लिए और सेकेंडरी लेवल के लिए, जबकि प्राइमरी वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है पेडागोजिकल अप्रोच के माध्यम से बीएड को, जैसे कि डीएलएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती पढ़ाने के लिए, जबकि बीएड के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए पटना हाईकोर्ट कहती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने NCTE के उस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया है तो बीएड करने वाले अभ्यर्थी अब आगे प्राइमरी में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। अब ये बात तो मैंने आप सभी को बता दी,
28वें पॉइंट तक जब आप इस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो आप इस बात को पहुंचेंगे जो मैंने आपको 5 मिनट में बता दिया है। अब आगे की बात आपको इस पॉइंट में पढ़नी है। लिखा हुआ है द रिट पिटीशन आर अलाउड, यानी कि जो याचिका है उनको अलाउ कर दिया है, विद द फाइंडिंग दैट नोटिफिकेशन 28/6/2018 इशूड बाई NCTE इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल। जो नोटिफिकेशन NCTE ने 28 जून 2018 को जारी किया था वो अब आगे एप्लीकेबल नहीं है और बीएड करने वाले अभ्यर्थी अब प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए प्राइमरी में नियुक्ति पाने के लिए पूरे तरीके से अयोग्य हो जाते हैं और उनको अब एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए। इट इज़ गोज विदाउट सेइंग, ये बिल्कुल तय है बिना कहे कि जो अपॉइंटमेंट पहले की गई हैं हैव टू बी रिवर्कड, यानी कि वो काम करते रहेंगे, एंड द एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पे बात की जा रही है एज पर द ओरिजिनल NCTE नोटिफिकेशन। इसको लेकर कंफ्यूज मत होना कि जो अभ्यर्थी काम कर रहे हैं वो सबके लिए की जा रही है, ये बात सिर्फ उनकी कही जा रही है कि जो अपॉइंटमेंट की गई हैं उनमें वो पहले काम करते रहेंगे, जो ओरिजिनल अपॉइंटमेंट ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो NCTE ने जारी किया था 2010 को उसके आधार पर नियुक्ति की है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि जो नोटिफिकेशन NCTE ने 2010 में जारी किया था कैन ओनली बी कंटिन्यू इन द पोस्ट दे हैव बीन अपॉइंटेड, यानी कि जो NCTE ने 2010 में नोटिफिकेशन जारी किया था उसके आधार पर वो कंटिन्यू पोस्ट में अपॉइंटेड रहेंगे जो अपॉइंटमेंट यहाँ पर की गई हैं। लेकिन द स्टेट वुड ऑल्सो टेक अ डिसीजन, राज्य सरकार को ये डिसीजन भी लेना है वेदर क्या कोई पोस्ट खाली है या जो पोस्ट खाली हैं सच एज रिवर्किंग जो काम कर रहे हैं आर टू बी फिल्ड अप द मेरिट लिस्ट अवेलेबल विद द स्टेट, कि अगर उनके पास जो मेरिट लिस्ट अवेलेबल है तो उसके आधार पर जो भी पोस्ट खाली हैं या जो भी रीवर्किंग में हैं उनको भरने के लिए मेरिट लिस्ट के माध्यम से जो भी कैंडिडेट अवेलेबल हैं एलिजिबिलिटी के आधार पर 2010 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखने के लिए प्राइमरी टीचर वैकेंसी में नियुक्ति पाने के लिए जो एलिजिबल हैं सिर्फ उनको ही नौकरी दिए जाने के संबंध में यहाँ बात की गई है। मुद्दे की बात यह है कि अब ये ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि भाई NCTE का नोटिफिकेशन अब मान्य नहीं है, अब सिर्फ वही अभ्यर्थी प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं जो NCTE के नोटिफिकेशन 2010 के आधार पर एलिजिबल हैं, बाकी के अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ना आगे मान्य होंगे ना अभी मान्य हैं और ना इस भर्ती के अंदर मान्य हैं, जो भी सीटें खाली हैं उनको यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट 2010 के नोटिफिकेशन के आधार पर भरने का आदेश दे दिया गया है। याद है ये फाइनल ऑर्डर नहीं है क्योंकि ये अभी आप सभी के सामने हाई कोर्ट ने दिया है, जब तक मामले सुप्रीम कोर्ट ने तक नहीं जाते तब तक ख़त्म नहीं होते हैं। फिलहाल आज की अभी की अपडेट यही है कि चयनित बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।